बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम सेकेंड ईयर के कोर्स को स्टार्ट करेंगे आर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसका पहला चैप्टर चैप्टर 15 है, विच इज़ अबाउट आर्गेनिक कंपाउंड्स। यूनिवर्स कुछ फंडामेंटल सब्सटेंसेस से बनी है जिन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एट्सेट्रा। ये एलिमेंट्स कंबाइन होकर निस्बतन कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना देते हैं जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इनको टू मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ आर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये फ़र्क उनके ओरिजिन की बेस पर होता है। पहले ये समझा जाता था कि वो कंपाउंड्स जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं वो आर्गेनिक हैं, जबकि वो जिनका मिनरल ओरिजिन है दे आर इनऑर्गेनिक। नाउ देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, एल्कोहल जो कि वाइन में होती है, और टार्टारिक एसिड जो कि ग्रेप्स में पाया जाता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड है, मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फ़र्क की वजह से कुछ लोगों ने यह समझा कि आर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स ज़रूरी है जिसको वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। हम इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक आर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का ये ख्याल था कि आर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरटरीज में नहीं बनाया जा सकता। फ्राइडक वोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया प्रोड्यूस करके इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। इस काम का फ़ायदा ये हो गया कि यह क्लियर हो गया कि आर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉरटरीज में बनाया जा सकता है। अब हम आर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने की तरफ आते हैं। आर्गेनिक केमिस्ट्री की इनिशियल डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी पे बेस्ड है, जिसके मुताबिक आर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग और डेड एनिमल्स। आर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस से ये पता लगा कि उन तमाम के तमाम में कार्बन एक एसेंशियल कंपोनेंट के तौर पर मौजूद है। इस तरह से आर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन सामने आई, जिसके मुताबिक इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इस नई डेफिनेशन के साथ एक नया मसला सामने आ गया। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद है आर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं किए जाते। उन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, थायोसाइनेट्स एंड साइनेट्स। आर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन्स की बेस पर है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हम आगे जाके देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चार मेन सोर्सेस हैं। पहला सोर्स है फॉसिल रिमेन्स, जिसमें हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है। दूसरा सोर्स है प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने की नेचुरल फैक्ट्री हैं। हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा सोर्स है लेबॉरटरीज में पार्शियल या टोटल सिंथेसिस के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करना। चौथा सोर्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने का है। फॉसिल रिमेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पहला सोर्स है। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डीकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुए। हम इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं क्योंकि इनका ओरिजिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, और इनको बर्न करके हमारी एनर्जी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शामिल हैं। लाखों साल पहले ज़मीन में दब जाने वाले प्लांट्स की डीकम्पोजिशन से कोल प्रोड्यूस हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक मेन सोर्स है। इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कई प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जिनमें से कोल टार बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स है। कोल टार में मौजूद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, फिनोल्स और उनके डेरिवेटिव्स, और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स। कोल टार में मौजूद कुछ कंपाउंड्स कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसा कि परफ्यूम्स, ड्रग्स, डाइज, फोटोग्राफिक डेवलपर्स के लिए
जो कंपाउंड्स स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं वो कोल टार में मौजूद होते हैं। लफ्ज़ पेट्रोलियम दो अल्फाज पेट्रा और ओलियम से बना है जिसका मतलब है ऑयल ऑफ द रॉक। ये एक ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड है जो कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ग्राउंड से बाहर निकल आता है। हम इसको ब्लैक कोल भी कहते हैं इसके डार्क कलर की वजह से और इसकी हाई वैल्यू की वजह से। ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसकी कंपोजिशन उसकी लोकेशन के साथ चेंज होती है। इस बात का मतलब ये हुआ एक लोकेशन पर मौजूद पेट्रोलियम की कंपोजिशन दूसरी लोकेशन पर मौजूद पेट्रोलियम की कंपोजिशन से मुख्तलिफ होगी। ये समझा जाता है कि पेट्रोलियम फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन की डीकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुआ हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में। रिफाइनिंग के दौरान पेट्रोलियम से हासिल होने वाले केमिकल्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं और ये बहुत सारी कमर्शियल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर में यूज़ होते हैं जैसा कि प्लास्टिक्स सोप्स और डिटर्जेंट्स सॉल्वेंट्स ड्रग्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एक्सप्लोसिव्स सिंथेटिक फाइबर्स रबर्स पेंट्स एपॉक्सी रेजिन्स फ्लोरिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल्स। पेट्रोलियम से हासिल होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स ये हैं मीथेन इथाइलिन एसिटाइलिन प्रोपीन बेंजीन टॉलवीन एंड साइलिन। नेचुरल गैस ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मीथेन जो कि तकरीबन 85% ऑफ नेचुरल गैस बनाती है। इसमें मौजूद दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ईथेन प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं। पाकिस्तान में नेचुरल गैस के बहुत वसी ज़खायर सुई बलोचिस्तान में मौजूद हैं। इसके अलावा सिंध पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट के मुकाम पर भी गैस के ज़खायर मौजूद हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं नेचुरल प्रोडक्ट कहलाते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने की नेचुरल फैक्ट्रीज प्लांट्स और एनिमल्स हैं। सूटेबल आइसोलेशन मेथड को यूज़ करते हुए हम इनको प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल कर सकते हैं। कुछ मिसालें ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें सेलुलोज स्टार्च और शुगर्स शामिल हैं प्रोटीन्स जिनमें सिल्क वूल केसिन और फूड प्रोटीन्स शामिल हैं फैट्स और ऑयल्स जिसमें कॉटन सीड ऑयल सोयाबीन्स ऑयल लार्ड और बटर शामिल हैं अल्कलाइड्स। अल्कलाइड्स वो नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि इंसानों को फिजियोलॉजिकली इफ़ेक्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकली इफ़ेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो बॉडी फंक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। द एग्जाम्पल्स आर क्विनीन मार्फिन स्ट्रिकनीन। देन आर हारमोन्स। हारमोन्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीरॉयड्स को प्लाज्मा से और प्लांट्स में से उनके ग्रोथ हारमोन्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से हम वाइटामस को हासिल कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन ए एंड डी इन फिश ऑयल। परफ्यूम्स हम स्पेसिफिकली फ्लावर से हासिल करते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्राम जैसमिन। फ्लेवर्स हम मुख्तलिफ फ्रूट्स और फ्लावर से हासिल करते हैं फॉर एग्जाम्पल वनीला। रेजिन्स आर स्टिकी सब्सटेंसेज दे कैन बी ऑब्टेन फ्राम डिफरेंट प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल फ्राम पाइन ट्रीज। फ्राइडरिक वोहलर के काम से यह साबित हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्रीज में बनाया जा सकता है। स्टार्टिंग मटेरियल्स पर डिपेंड करते हुए सिंथेसिस दो तरह की हो सकती है। पहली टाइप है पार्शियल अरसे में सिंथेसिस। इस तरह के सिंथेसिस में हम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और लेबॉर्ट्रीज में उनको कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और कोल से हासिल होने वाले बहुत सारे सिंपल मालिक्यूल्स को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं उनमें डाइस रबर्स फाइबर्स प्लास्टिक्स ड्रग्स और वाइटामस शामिल हैं। इस तरह की सिंथेसिस ना सिर्फ आसान होती है बल्कि सस्ती भी पड़ती है। ज़्यादातर ड्रग्स पार्शियल सिंथेसिस को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास टोटल सिंथेसिस जिसमें हम सिंपल कमर्शली अवेलेबल कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए कम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। आमतौर पर इस तरह के सिंथेसिस में बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद नहीं ली जाती। टोटल सिंथेसिस में हम फ्राइडरिक वोहलर के काम की मिसाल ले सकते हैं। उसने पोटेशियम साइनेट अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से यूरिया प्रोड्यूस किया। यहाँ पर हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस की एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस में ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि किसी
लिविंग सोर्स से हासिल हुआ और हमने लेबॉर्ट्री में इसको इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। टोटल सिंथेसिस में हमने सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट किया और उससे कम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोड्यूस कर लिया। सपोज करें कि इंस्टेड ऑफ दिस वी स्टार्ट आर प्रोसेस फ्रॉम हेयर एंड दिस कंपाउंड इज ऑब्टेंड फ्रॉम सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस इन विच दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व विल बी कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। बहुत सारे केसेस में सिंथेटिक मटेरियल नेचुरल मटेरियल से बेहतर होते हैं। मिसाल के तौर पे सिंथेटिक डाइज नेचुरल डाइज की निस्बत बेहतर होती हैं। इसी तरह से कुछ सिंथेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचर में पाए ही नहीं जाते और उनको हासिल करने का वाहिद तरीका लेबॉर्ट्री में उनकी प्रोडक्शन है। इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास ईथर है, ग्लाइकोल है, मर्क्यूरोक्रोम है, एस्पिरिन और सल्फा ड्रग्स हैं। मर्क्यूरोक्रोम, एस्पिरिन और सल्फा ड्रग्स मेडिसिन से रिलेट करती हैं। ग्लाइकोल इज एन एंटी फ्रीज और ईथर को एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। केमिकल सिंथेसिस इज द ओनली वे टू गेट दीज कंपाउंड्स। सिंथेटिक केमिस्ट्री लाइफ की तकरीबन हर फेज को टच करती है। हजारों सालों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए इंसान यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट किया जाता रहा और यीस्ट को यूज़ करते हुए मोलेसेस या किसी दूसरे शुगर सॉल्यूशन को, फॉर एग्जांपल ग्रेप जूस को वाइन में कन्वर्ट किया जाता रहा। यहाँ पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज इन फूड और बेवरेजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रिंक्स। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए नए कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है? एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो है जिसके जेनेटिक मटेरियल या डीएनए में रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज लाई जाए। इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेंगे जिससे हम ये देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को यूज़ करते हुए इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। इंसुलिन एक ह्यूमन हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडीज़ में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए उनको इंसुलिन इंजेक्शन पर रिलाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंसुलिन आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी चाहिए होती है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए बैक्टीरियम से इंसुलिन प्रोड्यूस की जा सकती है। इस टेक्निक में हम ह्यूमन सेल से वो जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को डायरेक्ट करता है और उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं। अब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज़ द लूप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरिया के डीएनए का एक लूप होता है। डीएनए के लूप में उस जीन को इंसर्ट करने से जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को डायरेक्ट करता है, हमारे पास एक रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया। इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और बैक्टीरिया को कल्चर में ग्रो किया जाता है। क्योंकि इन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा एक जीन मौजूद है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कमर्शियली उसको बेचा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम कमर्शियल स्केल पर मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। आप बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। अगर इस तरह का कोई मसला आता है, दोबारा से लेक्चर सुनिए, दोबारा से इसको किताब में पढ़िए और उसके बाद दोबारा ट्राई कीजिए। गुड लक।